हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं डिले मैरिज। मैरिज में देरी हो रही है तो बहुत सारे बच्चे हैं, कई तो 46 ईयर के हैं, 40, 39, 36। लेकिन अपने लॉजिक इसको समझना है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि जितने अबॉर्शंस हुए थे ये 91 के बाद में, 92 से 2001 के बीच में। तो रेशियो इतना कम रह गया था कि हर 10 लड़के के पीछे सिर्फ 3 लड़कियां। अब ये वही बच्चे हैं 91 वाले, और 2001 के बाद के केस मेरे पास कम आए हैं। इससे पहले के केस की मैडम मैरिज नहीं हो रही है। दूसरा क्या है, मैरिज में हम सुख भाव देखते हैं कि बच्चा अगर मैरिज कर रहा है तो सुख के लिए कर रहा है। एक तो मैचिंग इतनी टफ है, बच्चों को कहना बिल्कुल सही है कि मैडम शादी हो नहीं रही, ऊपर से आप इतने ऑप्शंस बता रहे हो। मैं कि देखिए, मेरा काम आपको सच बताना है कि क्योंकि सिंह राशि में अगर शुक्र है तो सुख नहीं, शुक्र रुच का बैठा है तो सुख नहीं है। मान लीजिए मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाई थी, गुरु उच्च का बैठा है, तो अगर जैमिनी लगन है, गुरु उच्च का बैठा है तो भी तो 7th हाउस ही जा रहा है। कारक तत्व जाएगा ही जाएगा, वहां का कारक तत्व है शुक्र। इतनी सारी कैंसलेशन होती है। अगर आपको शादी करनी है तो डिले मैरिज का कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये उपाय कर लूं मेरी शादी जल्दी हो जाए। प्लैनेट को पता है कब किसको क्या देना है। इसका एक कॉम्बिनेशन है 2, 7, 11, यानी फैमिली सेकंड हाउस, 7th पत्नी, 7 से 11 उसकी डिजायर्स, 7 से 11 पंचम भाव है कि वो आपसे प्यार करती है। उसकी एक्सपेक्टेशन को आप पूरा कर सकते हो कि नहीं। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग आ जाता है कि मैडम नहीं, मंगल है इस वजह से शादी नहीं हो रही। पहले हाँ होनी चाहिए, 11th हाउस होना चाहिए, सामने वाला ही नहीं हाँ कर रहा। लड़कियों के कितने रिश्ते आएंगे आपको अगर भाव एक्टिव है लेकिन हाँ नहीं होंगे। तो डिले मैरिज की क्या आप रेमेडी बताओगे? पूजा पाठ, अगर ये चीजें शादियां करवाती तो सबकी शादियां हो जाती, इतने फोन कॉल नहीं आते कि मैडम शादी करो। शादी का डायरेक्ट आप कॉम्बिनेशन बताइए कि ये एक साल है। और मुझे क्या होता है कि मुझे ना लॉन्ग टाइम चाहिए होता है, यानी 3 साल का टाइम। अभी जैसे किसी के योग बन रहे, यानी 2024 से 27 के बीच में मैरिज, और दो प्लेनेट मैरिज कराएंगे, यानी दो का दृष्टि संबंध कहाँ पर होना चाहिए लगन, क्योंकि आप शादी कर रहे हो, 7th हाउस पर होना चाहिए कि पत्नी भी करना चाहती है, 11th हाउस इच्छा से शादी हो रही है। दो प्लेनेट और दिग्गज प्लेनेट शनि, गुरुदेव और राहु। राहु जो देगा वो कर्म के अकॉर्डिंग आपको लड़की देगा, और गुरुदेव देंगे आपको इच्छा के अकॉर्डिंग देंगे, और शनि अगर देगा जो नसीब में लिखा होगा। उसके बारे क्वेश्चन हो रहा था मैडम, लव मैरिज। लव मैरिज में मैचिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मैच्योर हो जाके शादी कर सकते हो। दूसरा कि मैचिंग में जो बच्चे आ रहे हैं, आज लड़की अपनी सिक्योरिटी देखती है कि लड़का अच्छा कमाता हो, खुश रखे। और इतना कुछ मैं नहीं देखती हूँ कि गुण मिलान करूं, ट्रेंड वही है। मैं क्या अकेली इन नॉर्म्स को तोड़ पाऊंगी? आज भी वही सब चल रहा है, भूत प्रेत जादू टोना। मैं आपको क्या बताऊं, कैसे कैसी बातें मैं सुनती हूँ। ये 2024 है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि चैलेंज देती हूँ आप लोगों को, जो करना है आप बैठ के करिए। मेरा नाम ले लीजिए, मेरी फोटो आपके पास है, जितने मंत्र तंत्र यंत्र जो कहता है काला जादू आप कराइए तो सही। मैं इन भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। फिर आ जाएगा मंगल, मैंने एक ही बात बोली, जैमिनी के मंगल के अलावा किसी मंगल की परवाह नहीं करी। वैसे भी मृत्यु आनी है, वैसे भी आनी ही है। मेन है आप क्या करते हो पैसे बचाने के लिए। सॉफ्टवेयर में डालो मैडम 28 गुण, 32 गुण, 33 गुण, 36 गुण मिला लो, जितने गुण मिलाने मिला लो। ये भाव ही खुशी का नहीं है, ये भाव है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी उठाने का। और आज ना लड़का जिम्मेदारी उठा के रह रही है ना लड़की, दोनों जॉब करते हैं, दोनों को फ्रीडम चाहिए। तो फिर आप डिले मैरिज का क्या उपाय करोगे? एक मैच्योरिटी लेवल आता है 30 के बाद, क्या फैमिली बनानी है। अब यहाँ आकर भी बच्चे लड़ते हैं, डाइवोर्स लेते हैं, तो क्या भाव बनेगा? और ऐसा नहीं है जिनके डाइवोर्स आ रहे हैं उन्होंने मैचिंग नहीं करवाई है, मैचिंग वालों के ही केस आ रहे हैं ना मेरे पास, तो फिर क्यों आ रहे हैं? आप किसी भी तरह से ये बोले कि मैरिज एक हम रेमेडी कर लें उससे हो जाएगी, या डिले हो रही है, क्यों हो रही है? तो ये डिले इसलिए होती है कि अच्छी चीज के लिए टाइम लगता है।
शुक्र अगर अकेला बैठा है तो अच्छे घर से लड़की आएगी, वरना तीन प्लेनेट का जब तक दृष्टि संबंध ना हो और महादशा अंतरदशा नाथ जब तक ये ना बता दे 2711 का कॉम्बिनेशन है तब तक शादी इम्पॉसिबल है। बहुत लोग आते हैं, बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं, अरे आप चाहो तो किसी की शादी ना हो। देखिए ये जितना भी गोचर है ना, ये मैंने सेट नहीं करा, मेरे आने से पहले ही था ये। जोडी बेल्ट पहले भी चल रही थी, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं थी तब भी चल रही थी, अगर मैं आज एस्ट्रोलॉजर हूँ तो भी चल रही है। हर डिग्री मेंशन है, लेकिन कईयों में क्या है, प्रेशराइज किया जाता है कम्युनिटी की तरफ से कि नहीं आप अपने बच्चे की शादी करो, तो माँ बाप पैनिक हो जाते हैं। बिल्कुल पैनिक मत होइए, आज बच्चे समझदार हैं, उनको पता है अगर जिम्मेदारी उठानी है तो सोच समझ कर ही निर्णय लेना है। तो इसीलिए इसकी कोई रेमेडी नहीं है। मैंने आज तक कभी भी जिसकी मैरिज डिले हो रही है तो मैं कभी नहीं कहती कि आपकी शादी हो जाएगी, उस पर एक फैमिली पूरी जुड़ी होती है। तो मैं सेकंड हाउस को लेना छोड़ दिया, 7-11 को ही लेती हूँ कि लड़का और लड़की राजी है ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर आता ही नहीं है कई बार। तो मैं कहती नहीं, आपका आप और लड़की राजी हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो ये योग है ये रहेगी। फिर क्या है, पूरी फैमिली का मुझे देखना पड़ता है। एक इवेंट होगा, कब होगा, जब गुरुदेव शनि से ट्रांजिट होंगे और शनि गुरु से ट्रांजिट होंगे। एक इवेंट कोई सा भी आप करा सकते हो, लेकिन दोनों में फर्क है। गुरुदेव आपकी फ्री विल है, आप चाहते हो कि आपके बेटे की शादी हो जाए, ये फ्री विल है आपकी। तो जैसे ही शनि से गुरु निकलेंगे आपका ये काम करके ही जाएंगे बिना काम करे ये, यानी मैं एक इच्छा बता रही हूँ, वैसे कोई सी भी इच्छा आप उनसे पूरी करवा सकते हो। लेकिन अगर शनि गुरु से ट्रांजिट हो रहे हैं तो शनि का स्वभाव बिल्कुल अलग है, वो कहेंगे जो मैं दूंगा चुपचाप, उनसे आप ये मांग नहीं सकते हो क्योंकि वो डेस्टिनी है, वो लिखा ही हुआ, वो रखेंगे नहीं, लेकिन उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो क्या देने आए हैं, उनसे आप डिमांड ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोनों बातों का ये ध्यान रखना है और कोई रेमेडी नहीं है। जब योग बनेगा इसको आपने देखना है केपी में 2711, तभी आपकी शादी होनी है। और दुबावों पर बड़े दिग्गज प्लेनेट की जैसे मैंने बताया है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी शादी होगी। सॉरी फॉर रेमेडी। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, डॉक्टर किरण बाबा। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।